बदन पर खाकी वर्दी और हाथ में पुलिस का डंडा आते ही दिमाग बेकाबू क्यों हो जाता है, यही सवाल आपके जहन में भी आएगा जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे। देखिए, यूपी के सहारनपुर में एक सिपाही ने 3 छात्रों को किस तरह ढूंढ डाला और फिर उनसे रुपए भी ऐंठ लिए। बदन पर खाकी वर्दी और हाथ में लाठी, इतना काफी है दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए। यूपी के सहारनपुर में एक सिपाही अपनी इसी ताकत का एहसास करा रहा है 3 छात्रों को। इन छात्रों को पुलिस के सिपाही ने जमकर पीटा और धमकाया भी कि फर्जी केस में इन्हें हवालात में बंद भी कर सकता है। खाकी का खौफनाक चेहरा दिखाने वाले इस सिपाही का नाम है अमित धीमान। यूपी के रामपुर में आबकारी विभाग में तैनात अमित की बहन सविता सिंह भी बरेली के महिला थाने में तैनात है। दोनों सहारनपुर में शाकुंभरी देवी दर्शन के लिए आए थे। रास्ते में इनकी कार छात्रों की कार से टकरा गई और छात्रों पर टूट पड़ा वर्दी का कहर। सामने से स्विफ्ट डिजायर थी, बिन नंबर थाने उस पर, तो हमारी उसके साथ टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद हमारी गाड़ी चल नहीं पाई ना उसकी चल पाई, तो उसमें से एक वर्दी में एक जो ड्राइविंग सीट पे था वो उतरा और उसने हमारे साथ बदतमीजी करी। पहले उसने उतरते ही गाड़ी पे डंडे मारे और उसके बाद हमें उतारने के बाद हमारे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की। छात्रों का आरोप है कि जिस खाकी के रौब में पुलिस वालों ने इन छात्रों की पिटाई की, उसी खाकी का खौफ दिखाकर सिपाही अमित धीमान ने इन्हें एक चौकी में ले जाकर समझौता भी किया और गाड़ी बनवाने के एवज में इन छात्रों से 12,500 रुपए भी झटक लिए। और उसने बहुत बदतमीजी की वहाँ पे, जो उसके साथ एक लेडीज थी वो बोल रही थी कि मैं तुम पे केस करूँगी कि मेरे साथ भी तुमने बदतमीजी किया। उसके बाद हमें थाने लेके जाया गया, वहाँ पे उन्होंने समझौते में हमसे 12,500 रुपए लिए। वो वर्दी का रोब दिखा रहे थे हमें। पुलिस के आला अफसर भी महकमे के सिपाही का बचाव करते ही नजर आए। SP सिटी का कहना है कि अगर छात्र चाहेंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो थाने में समझौता देकर के चले गए, अगर वो कार्रवाई चाहते हैं तो कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने थाने को ये बता दिया कि इसमें सारी चीजों की जांच कर लीजिए, अगर कोई ऐसी बात बने तो फर्दर एक्शन लिया जाएगा। मामूली टक्कर पर छात्रों के ऊपर सिपाही का कहर जिस तरह टूटा है, उस पर क्या आला अफसरों को खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए? अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक।